तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली आप सभी लोग सही होंगे, सब ठीक ठाक होगा। और आज आपके सामने एक टोयोटा की राफोल लेके आया हूँ, जो कि 2022 का यानी 2022 का मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एसी कूलिंग नहीं हो रहा है। तो जब एसी कूलिंग नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ से कंट्रोल पैनल से एसी चालू किया, एसी वगैरह सब बराबर बाहर जाके सिस्टम चेक किया तो बराबर चल रहा है, लेकिन बस कस्टमर का कंप्लेन है कि एसी नहीं चल रहा है। तो मैं भी कंफ्यूज था कि एसी क्यों नहीं चल रहा है भाई, बाहर तो सिस्टम सब बराबर चल रहा है। तो मैं आपके सामने गाड़ी चालू करने के बाद एसी चालू कर रहा हूँ। यहाँ से हवा का मोड चेंज कर रहा हूँ मैं। देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी सामने हवा रखा हूँ। अभी पैर पे रखा हूँ। अभी सामने हवा रखा हूँ, लेकिन ये आवाज़ जो देख पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं, टाक टुक टाक टुक टाक टुक, और वापस से फ्रंट ग्लास पे कर रहा हूँ। तो हवा ग्लास पे किया हूँ, फ्रंट देख पा रहे हैं, लेकिन हवा यहाँ पे नहीं आ रही है। हवा क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इसका जो मोटर है ना, ये वाली मोटर बराबर काम नहीं कर रहा है। ये वाली जिसे सर्वो मोटर कहते हैं, हीटर और डायरेक्शन का मोटर यही है, जो कि हवा को चेंज करता है किधर लेना है तुम्हारे को। तो ये बराबर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से ना इसका हवा कभी जाकर के ग्लास के तरफ जाकर के अटक जाता है, और कभी सामने आके पैर पे आ के अटक जाता है, सामने हवा आता ही नहीं है। तो यही कंप्लेन था कि कभी कभी ग्लास के ऊपर जो हवा जाके अटक जाता था ना, तो कस्टमर को क्या लग रहा है कि कूलिंग हो ही नहीं रहा, गाड़ी एसी चल ही नहीं रहा है। क्योंकि सामने जाहिर सी बात है, सामने हवा नहीं आएगा तो बंदे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कूलिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस मोटर को खोलने वाला हूँ, खोल के देखने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्कैनर और ये खोल के रखा हूँ ताकि आपको देखने के लिए, और ये रही स्कैनर। सबसे पहले स्कैनर से आप उन चेक करेंगे कि इसमें कोड क्या आ रहा है एयर कंडीशन सिस्टम में। तो ओबीडी सॉकेट लगा लेता हूँ मैं, ओबीडी सॉकेट लग चुका। अब अपने स्कैनर से इसको कनेक्ट करता हूँ। फ्लाश ऑफ कर देता हूँ मैं जरा। तो फाइनली फ्लाश ऑफ हो गया, डायग्नोस में जा रहा हूँ। ये पहले दूसरी गाड़ी में स्कैन किया हुआ है, तो ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है, अपना टोयोटा की है। तो टोयोटा को क्लिक किया, इसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन में जाना है अपने को, यानी ये VIN नंबर ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। रीड कर रहा हूँ VIN नंबर क्या है इसका। तो ये है इसका VIN नंबर, तो सही है। इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं, ओके कर रहा हूँ। अब ये मॉडल कभी का है, 2022 और 23 दो मॉडल है इसमें, यानी 2022 का मॉडल है। तो उस पर क्लिक कर दिया, CVT MT है। अब ये रडार क्रूजर है या फिर ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है, रडार क्रूजर नहीं है इसमें। विथ स्मार्ट की है या फिर विदाउट स्मार्ट की है, विथ स्मार्ट की है। राफोर आ गया, यूरोप ओदर्स मैक्स 2022-23 विथ स्मार्ट की। तो चलो अब मैं इसमें यस कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सही है अपना। देखते हैं एयर कंडीशन सिस्टम में क्या कुछ कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है।
मैं जरा अभी वापस से हवा सामने रख ले रहा हूँ। देखो आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, काट कुट आवाज़ आ रहा है, तो शायद के कभी कभी दिखा देता है कभी कभी नहीं दिखाता है। स्कैन कर रहा हूँ, इंजन में कुछ नहीं है, SRS। तो अपना एयर कंडीशन सिस्टम आने देते हैं जब तक। तो ये रही एयर कंडीशन सिस्टम, एक वन फोल कोड दिखा रहा है इसमें। तो जब तक मैं इसको पाउज कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को एयर कंडीशन सिस्टम चेक करना है इसका, इसको कर रहा हूँ मैं ओके। यहाँ से भी ओके कर दिया, अब रीड हो रहा है ये। तो ट्रेवल कोड में जा रहा हूँ, पहले क्या कोड दिखा रहा है इसका। तो ये हिस्ट्री में दिखा रहा है अभी एयर आउटलेट डंपर कंट्रोल सर्विस सर्किट, यानी डंपर मोटर सर्किट, यानी यही मोटर का कोड दिखा रहा है। ये मोटर का कोड दिखा रहा है, अभी हिस्ट्री में दिखा रहा है। कभी कभी ये चलना काम करना बंद कर देता है, और कभी कभी चलता है बराबर। इस वजह से हवा किधर भी जाकर के कोई भी डायरेक्शन में जाके अटक जाता है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है इसका। तो चलो, मैं इस तरीके का वीडियो मैंने YouTube में सर्च किया तो कहीं मेरे को मिला नहीं, इस वजह से मैं ये सोचा कि चलो जो भी किसी न किसी का हेल्प हो जाए, किसी न किसी को नॉलेज मिल जाए, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और कुछ राय आप भी मुझे दे, कहीं से कहीं पे अगर मेरे मुझसे गलती हो रही ना तो वहाँ पे आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई ये आपने ये गलत किया है, ये किया है, जो भी वो फंडा आपके दिमाग में आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। वैसे इसको तो पहले ग्लो बॉक्स खोल के रखा हूँ, और इसका जो स्क्रू है ना, इधर से खोलना पॉसिबल नहीं रहता है, इसके लिए डैशबोर्ड खोलना ज़रूरी, लाजिम नहीं, मतलब डैशबोर्ड खोल के इजी काम होता है इसका, क्योंकि ये जो है ना सेटअप बाहर आएगा नहीं। इसका फिटिंग ऐसा दिया है कि इसको खोल नहीं सकते अपन, क्योंकि फॉर्चुनर वगैरह में, बहुत सारे गाड़ियों में, टोयोटा की गाड़ियों में ये चीज़ खोलना दिया हुआ रहता है कि इसको खोल के आप इजीली इसको यहाँ से ये कर सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले ये दो स्क्रू, एक ये और एक पीछे साइड, ये वाला स्क्रू ड्रावर से खोलूँगा। स्क्रू ड्रावर तो नहीं, ये अपन खुद का बनाया हुआ है, इसको कट करके माइनस किया हूँ, और इससे खोलेंगे, खोल के देखते हैं खुलता है क्या नहीं खुलता है। तो चलो खोलते हैं उसको अपन, सबसे पहले उस साइड जाके खोल के दिखाता हूँ। तो मैं फाइनली इस साइड आ चुका हूँ, इस साइड से मेरे को यहाँ पे तो कुछ निकला वगैरह हुआ दिख नहीं रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है मेरे को। बट एक चीज़ नोट कर सकते हैं यहाँ पर, आपको वहाँ से वीडियो में दिख रहा है तो ये देख पा रहे हैं, ये वाला फ्लैप निकला हुआ है इसका, ये देख पा रहे हैं ये फ्लैप ऊपर का निकला हुआ है, तो इसी वजह से ये टाक टुक आवाज़ कर रहा है। मैं जरा स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, हवा का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हैं स्लीप मार रहा है यहाँ से ये, देख पा रहे हैं स्लीप मार रहे हैं, यानी मतलब कोई फ्लैप में इसका मसला है। तो चलो सबसे पहले वो वाला मैं उसके सॉकेट में बैठा देता हूँ, उसके जहाँ पे वो बैठता है उस चीज़ को बैठा देता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं इसको यहाँ पे बैठा रहा हूँ, लेकिन वापस से निकल जा रहा है। निकल क्यों जा रहा है, क्योंकि ये वाला फ्लैप जो पीछे दिया है ना, वो जाम घूम रहा है, जाम मतलब पूरा अटका हुआ है, यानी इसके अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के अंदर कुछ न कुछ तो गया है, इस वजह से ये अटक रहा है। तो इसके लिए मेरे को डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर डैशबोर्ड खोले अंदर आप हाथ नहीं डाल सकते और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलो फिर इसका मैं डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट करता हूं, और इससे पहले भी मैं गाड़ी का डैशबोर्ड रिप्लेस कर चुका हूं, यानी एयरबैग पूरा खुल चुका था, तो वो वीडियो को जाके देख सकते हैं आप।
तो चलो सबसे पहले मैं बैटरी वायर रिमूव करता हूँ और इसका डैशबोर्ड खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली इसका बैटरी वायर निकाल चुका हूँ और सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करना है। इसके अंदर देख पा रहे हैं 210 नंबर दिया हुआ है, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 4 दिया है 10 नंबर। और सबसे पहले अपने को ये वाला चीज़ें खोलना पड़ेगा, माइनस इसको डॉर यूँ लेने का है। इसको निकाल देने का ऐसा, तो ये निकल चुका। फाइनली ये निकल चुका है अपना। अब अपने को जो निकालना है सबसे पहले ये वाला चीज़ें निकालना है, यहाँ से कटा के निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले 10 नंबर दिख रहा है मेरे को, तो ये 10 नंबर खोलना है। इसको इधर ही होल्ड कर देते हैं, इसमें 2 सॉकेट है, वो सॉकेट निकाल दिया हूँ। और इसको जो है यहीं पे होल्ड कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। इसमें देख पा रहे हैं इसमें भी 2 सॉकेट हैं, तो ये दोनों सॉकेट निकाल देता हूँ मैं। तो फाइनली ये भी निकल चुका, अब अपने को ये चीज़ें निकाल देना है। अब उसके बाद जो है अपना आ जाएगा कंसोल बॉक्स, ये वाला चीज़ें खोल लेना है। निकल चुका, ये भी निकल जाएगा अपना। उसके बाद पूरा कंसोल बॉक्स का सेटअप आएगा। तो कंसोल बॉक्स का पूरा सेटअप खोलने के लिए 1 स्क्रू, 4 स्क्रू, तो यहाँ 10 नंबर, 2 यहाँ खोल दिया हूँ। और इसको साइड से निकाल दें, निकल चुका, सेम इस साइड रहेगा, ये भी निकल चुका। अब अपना ये चारों खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये चारों खुल चुका, अब इसको अपन पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे लेने के बाद ऊपर उठा करके निकल जाएगा ये। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, 1 सॉकेट ये भी है, ये सब सॉकेट निकाल दिया हूँ दोनों। तो चलो इसको पीछे होल्ड करता हूँ। तो फाइनली ये चीज़ें बाहर ले लिया हूँ। उसके बाद सबसे पहले एयरबैग निकाल देते हैं अपन। यहाँ से तो दिखेगा पॉसिबल नहीं है दिखना, तो इस वजह से मैं इसको निकालता हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाया हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैं एयरबैग निकाल देता हूँ, तो चलो आपके सामने ही निकाल देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ें निकल चुका ऊपर का। अब दूसरा वाला यहाँ पे है, ये दूसरा वाला इजीली निकल जाता है। ये भी निकल चुका, अब और एक रहेगा। ये रही तीसरा वाला, तीनों के तीनों निकल चुका। इससे पहले मैं और एक वीडियो में दिखाया हूँ, वहाँ जाकर के देख सकते हैं आप एयरबैग कैसे निकाला जाता है। तो चलो, 1 सॉकेट है, 1 हॉर्न का वायर है, ये दोनों निकालता हूँ। ये वाला सॉकेट निकालने के लिए इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर आपके पास कंपलसरी चाहिए, ये रेड वाली को ऊपर लेने का, निकल चुका। अब यहाँ से इसको
नीचे से उठा लेने का, निकल गया। तो चलो ये हॉर्न की क्लिप निकाल के मैं इसको बाहर लेता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका, अभी ये 10 नंबर की एलिंग की खोलना है, तो चलो इसको मैं खोलता हूँ। तो फाइनली ये वाली मशीन से इजीली खुल जाता है। तो सबसे पहले आप इधर मार्किंग कर दें, मार्किंग करके स्टीयरिंग को निकाल दें इजीली। तो इस तरीके का मार्क कर देना, इसमें भी और इसमें भी। अब मेरा ये निकल जाएगा, तो इसको फाइनली निकाल दिया। अब ये स्ट्रेट पोजीशन में रखना, और ये वैसे ये घूमेगा नहीं। तो चलो एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, दो और एक नीचे रहेगा, तीनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ये चीज़ें खुल गया, स्क्रू खोल दिया। अब इसको ऊपर ले लेने का, तो ये निकल गया। इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब अपने को निकालना क्या है, ये मीटर का। ये चीज़ें इधर लग रहा था, तो ये मीटर का कवर भी निकल चुका। अब अपने को मीटर निकालना है। तो मीटर में चार स्क्रू दिख रहे हैं, चारों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली मीटर का तो स्क्रू खोल चुका हूँ, लेकिन बट मीटर खोलने से पहले इसको निकाल देता हूँ। तो इसको आज मैं कुछ अलग तरीके से निकालूँगा, इसका पूरा सेटअप निकाल दूँगा क्लॉक रिंग के साथ का। यहाँ पर एक लॉक है, ये वाला क्लिप, इस क्लिप को दबा दिया हूँ और ये लॉक निकाल दिया हूँ। तो ये सब सॉकेट निकाल लेता हूँ पहले। ये तो इधर ही रहेगा, ये एयर बैग वाला क्लॉक रिंग का, ये भी, प्रेस नहीं हो पा रहा बराबर, ये भी निकल चुका, सॉरी ये निकालना नहीं पड़ेगा। बस इतना ही, अब ये पूरा सेटअप साथ में निकाल देता हूँ इसका, क्योंकि ये क्लिप को मैंने पेश कर दिया था पहले, इसके साथ ही रख देता हूँ इसको। अब मीटर का स्क्रू तो खोल चुका हूँ, अब इसको खींचना है आगे साइड। ये देख पा रहे हैं, 200 किट लगी है। तो ये क्लिप निकालता हूँ। तो फाइनली ये क्लिप निकल चुका, ये मीटर भी निकल चुका। अब अपने को ये वाला कवर निकालना पड़ेगा। तो इसको तो, ये तो एयर बैग है, साइड से ये सब खोलता हूँ मैं। तो इसको खोलने के लिए इसको मैं खोल देता हूँ पहले, इसको निकाल देता हूँ, फिर इसको निकाल देता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें निकाल देता हूँ। तो निकल चुका है ये चीज़ें, इसमें नीचे से स्क्रू दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे एक स्क्रू है, एक स्क्रू इधर है, तो ये स्क्रू खोलता हूँ मैं, ये 10 नंबर है, इसको खोलता हूँ। तो फाइनली ये चीज़ें निकल चुका। अब इसमें एक सॉकेट यहाँ पे है, ये वाली क्लिप है, ये बोनेट केबल, फ्यूल पंप, फ्यूल कवर, तो फ्यूल का कवर जो का टैंक का कवर जो देता है वो। तो फाइनली सबका सॉकेट निकल चुका, पीछे होल्ड कर दिया। अब अपन क्या खोलने का अपने को, तो चलो ये साइड का खोल देता हूँ, इसके बाद एयरबैग निकालने की ज़रूरत है या नहीं है। एयरबैग निकालने की ज़रूरत तो उतना नहीं दिख रहा है अपने को, एयरबैग रहेगा इधर, नो प्रॉब्लम। बस इधर से 10 नंबर खोलना पड़ेगा अपने को। तो चलो पहले कंट्रोल पैनल निकाल देते हैं। गाइस एक हाथ से निकालना ना पॉसिबल नहीं रहता है कोई भी सॉकेट, बस मैं आपको साथ दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला
भी निकाल देते हैं। ये दोनों को पीछे होल्ड कर देता हूँ, उसके बाद टेप पे आ जाते हैं। टेप खोलने के लिए आपको माइनस स्क्रू लेना है, इधर किसी तरीके से डालना है और इसको ऊपर उठा साइड खींचना है। देख पा रहे हैं ये भी निकल चुका, सब लॉक पे रहता है ये। उसके बाद एक 10 नंबर, 2 10 नंबर, 2 इधर है, एक एक स्क्रू लगी है छोटी वाली काली वाली, तो ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली टेप भी खुल चुका अपना, तो चलो इसकी सॉकेट जितनी सारी भी सॉकेट है खोल लेता हूँ, क्योंकि खोलूँगा उधर से तो इधर निकल जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा ये, तो चलो खोलता हूँ। तो टेप का सॉकेट भी सब खुल चुका, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद अपन साइड का पैनल खोलते हैं, इसको पहले पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो इसको खोलने के लिए ये वाली रबर को नीचे ले लेते हैं, या नीचे नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। सपने को खींचना है, और ये देख पा रहे हैं इसमें लॉक कुछ ऐसा लॉक दिया है कि आपको इसको डॉर से ऊपर नीचे दोनों, ये वाला और ये वाला को ऊपर नीचे दोनों दबाना पड़ेगा, तब जा कर के ये खुलेगा। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ। तो फाइनली दोनों लॉक सेम ऐसे ही दिया है, देख पा रहे हैं, तो ये निकल चुका। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को यहाँ पे एक लॉक क्लिप दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है क्या नहीं चेक कर लेना आप, नहीं है खाली है तो वापस से लगा देना, खोल के कुछ मतलब नहीं अपने को। तो ये वाली क्लिप दिखा देता हूँ, ये वाली क्लिप यहाँ से निकाल दिया इसको। अब इस साइड मेरे को क्या क्या खोलना है, एक 10 नंबर ये जो कि डैशबोर्ड में दिया है, उसके बाद एक 10 नंबर ये 2, उसके बाद यहाँ पे एक ये वाली 3, उसके बाद एक 4, उसके बाद एक 5, और ये वायरिंग को अलग करना पड़ेगा, डैशबोर्ड से निकालना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो पक्कर से खोलना पड़ेगा, निकल गया। तो अब ये 10 नंबर ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का तो सब खुल गया, देख पा रहे इधर से डैशबोर्ड हिल रही है, तो चलो उस साइड का क्या क्या बाकी है वो खोल के दिखाता हूँ। तो इस साइड सबसे पहले ये वाला खोल दें आप, तो सेम उस साइड उस तरीके से जिस तरीके से उस साइड खोले थे वैसे ही खुलेगा ये। तो चलो इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये भी खुल चुका, अब नीचे देख लेते हैं क्या क्या खोलना पड़ेगा अपने को। तो नीचे से मेरे को जो है ना ये वाला बॉक्स भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खोलेंगे इसको तभी सामने जाकर के जो है ना एयरबैग का बोल्ट दिखेगा अपने को, तो ये चीज़ें खोलना है अपने को। ये खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, लेकिन बट खोलना ही पड़ेगा अपने को ये। और एक 10 नंबर ये नीचे से स्क्रू दिया हुआ दिख रहा है ऐसा, यहाँ से भी खुल जाएगा एयरबैग का बोल्ट अपना, तो नीचे से ही अपन खोल देते हैं। 12 नंबर जो दिया हुआ है वो खोल देता हूँ नीचे से ही मैं, 2 दिया हुआ है, तो चलो दोनों खोल देता हूँ। तो फाइनली नीचे से सब कुछ खोल दिया हूँ, और एक सॉकेट यहाँ पे है छोटी सी सॉकेट, ये भी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये डैशबोर्ड वायरिंग के साथ है। तो आवाज़ तो सुन पा रहे हैं यहाँ पे कुछ, आपको देख पा रहे हैं, यानी सिक्का ओ कॉइन जो रहता है वो यहीं से मेरे को अभी दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आके अटका है, कि यहाँ पे आवाज़ भी आता होगा आपको, क्लियर ही नहीं दिख रहा पूरा। तो इसको निकालता हूँ,
और कुछ तो लग रहा है। कुछ तो और लग रहा है इसमें भी। निकल चुका तो देख पा रहे हैं, कॉइन ही कॉइन निकल रहा है। ये देख लीजिए, गाड़ी वाले का कॉइन ज़्यादा हो गया शायद के। ये देख पा रहे, एक तो निकल चुका। ये देख रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है यही कॉइन जाके अटका रहेगा अंदर। तो चलो पहले मैं डैशबोर्ड निकालता हूँ। एक की भी दिख रहा है मेरे को, आपको यहीं से दिखा दूँगा, दिखा देता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा कि क्या मसला हुआ रहेगा इसका। निकलता तो इसको निकाल ही देते मैं, नहीं टूट बिट ना जाए यहाँ से कहीं। तो ये देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ से। बस मैं आपको प्रॉब्लम क्या हुआ है वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये कॉइन दिख रहा है यहाँ से। तो चलो डैशबोर्ड में बाहर लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं, ये कॉइन का नोट निकल रहा है इसमें से। एक ये निकला, एक चाबी ये निकला और एक ये कॉइन निकला। तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं। एक ही ये कॉइन था, अब अंदर यहाँ से दिख रहा है क्या नहीं दिखेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि दिखेगा क्योंकि काफ़ी नीचे चला गया रहेगा ये सब। तो चलो ये वाला सिस्टम ना खोलता हूँ मैं पहले, शायद यहाँ से कुछ अगर दिख जाए अपने को तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लैप जो है ऊपर ही दिया हुआ है। तो चलो मैं ये वाला खोलता हूँ पहले। इसको खोलने के लिए ये वायरिंग को इधर ले लेता हूँ। कुछ नहीं, ये लॉक क्लिप दिया है सिर्फ, ये माइनस स्क्रूड्राइवर से खोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस देख पा रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ से कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो इसको निकाल दिया, अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से भी नहीं दिखेगा तो मेरे को ये वाला खोलना ही पड़ेगा। तो इसमें लॉक दिया हुआ रहेगा और लॉक निकाल के निकालता हूँ मैं इसको। तो गाइस ये खोलना उतना इजी नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट पूरा बाहर निकालना पड़ेगा तभी जाके निकलेगा। लेकिन बट ये चीज़ें यहाँ से तो अभी फ्री हो चुकी है, देख पा रहे हैं। मैं जो इसको घुमा रहा था ये घूम नहीं रहा था उस टाइम, ये वाला अब फ्रीली मूव कर रहा है, ये फ्री मूव कर रहा है। बराबर चल रहा है ये अभी, तो आई थिंक इसमें कोई कॉइन वगैरह अगर फंस गया रहेगा यहाँ करके ऊपर, तो वो अभी डायरेक्ट नीचे चला गया है, यानी इवापोरेटर कॉइल के पास चला गया है। तो इवापोरेटर कॉइल खोलेंगे तभी जा कर के ये चीज़ें निकलेगा। तो मेरे को पूरा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालना पड़ेगा तब जा कर के वो निकलेगा। तो लेकिन अभी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को अभी। यहाँ पे कुछ फ्लैप के पास अगर रहता ना तो मसला करता, लेकिन ये नीचे चला गया है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि कॉइन गया है अंदर, इसकी वजह से ये अटक रहा था और यहाँ से स्लीप मार दिया है वो। तो चलो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ, फिटिंग करके चेक कर लेते हैं बराबर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वैसे भी अभी फिटिंग करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं फिटिंग कर सकते हैं अपन, सिर्फ मीटर वगैरह में ये नहीं करेगा, कंट्रोल पैनल लगा करके चेक कर सकते हैं कि बराबर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलो एक बार मैं चेक करता हूँ इसको फिटिंग करके। तो फाइनली मैं कंट्रोल पैनल तो लगा चुका हूँ, सॉकेट लगा दिया हूँ, इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल में लाइट आ चुकी, ब्लोअर चालू हो गया है, सामने हवा है, आ रही है हवा, देख पा रहे हैं सामने से हवा आ रही है। अब ब्लोअर का स्पीड जो है ना फास्ट कर देना है, अब इसके बाद मोटर की तरफ आना है। अब यहाँ से मोटर बटन में चेंज कर रहा हूँ,
बरोबर तो चल रहे हैं। यानी ये अभी बरोबर चल रहा है, तो इग्निशन ऑफ कर देता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, बरोबर चलेगा या फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा? नहीं, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये कॉइन वगैरह अगर आया रहेगा ना इसके सामने, तो ये फ्लैप में चिपक गया रहेगा या फिर इसको बरोबर फ्लैप को घुमा नहीं पाता होगा, उस टाइम वो जाम हो गया रहेगा और वो जॉइंट वहाँ से छोड़ दिया रहेगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलो अब मैं इसको छेड़खानी आगे कुछ नहीं करूँगा, इसको वापस से फिटिंग कर देता हूँ और वापस से फिटिंग करके फिर चालू करके आपको दिखाऊँगा। तो चलो, मैं फिटिंग करना तो आपको पता ही है, डैशबोर्ड वगैरह सब मैं जैसे खोला गया था कुछ नहीं वैसे ही डालता हूँ, डाल के फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद डायरेक्ट चेकिंग पे आपको दिखाऊँगा, चेक करके दिखाऊँगा कि चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अपना बराबर। तो मेरे हिसाब से तो बराबर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% श्योर है कि कोई कॉइन आया रहेगा और वो चिपक गया रहेगा, चिपक के वो फ्लैप को बराबर बंद नहीं कर रहा होगा, इस वजह से वो वहाँ से जॉइंट को छोड़ दिया रहेगा, क्योंकि मोटर में प्रेशर रहता है, जब ये प्रेशर बनाता है तो जो भी फ्लैप इससे कनेक्टेड रहता है वो एक लुब्रिकेट टाइप का एक जॉइंट दूसरे जॉइंट दूसरे तीसरे जॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो एक दूसरे को छोड़ देता है। तो चलो वापस से मैं फिटिंग करता हूँ। और ये मोटर देख लीजिए, ये वाला मोटर टोयोटा की गाड़ी में लगभग ये मोटर देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये मोटर जो चलता है ना, ये इसके बेसिक पे चलता है, ये डायरेक्शन वाला जो इसके बेसिक पे चलता है। ये चीज़ें अगर ख़राब हो जाएगा तो ये मोटर चलेगा नहीं, समझ लो यही कंट्रोल करता है पूरे मोटर को। ये घूमेगा तो इसके साथ जब मोटर फिटिंग करेंगे आप, तो ये जब व्हील को घुमाएगा जो इससे कनेक्टेड रहता है, इसको जब घुमाएगा तो इससे सिग्नल दे रहा है कि भाई अपना व्हील घूम रहा है क्या नहीं, व्हील घूम रहा है तो कौन से पोजीशन में घूम रहा है, तो यही सिग्नल देता है। ये ख़राब हो जाएगा तो ये मोटर काम नहीं करेगा, फिर एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। इसको आप एक बार खोल के वापस से फिटिंग करेंगे तो ये चालू नहीं होगा जब तक कि आप स्कैनर से इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे BCM से। तो चलो फिर मैं फिटिंग करता हूँ, यही मोटर है ये वाला जो कि दूसरी गाड़ी का ही है। तो चलो फिटिंग करता हूँ, मैं फिटिंग करके फिर डायरेक्ट चेकिंग पोजीशन में दिखाऊँगा आपको। तो गाइज, फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं जो जो कुछ खोला गया था सब कुछ फिट हो गया, सिर्फ कंट्रोल पैनल लगाया नहीं हूँ अभी, बाकी प्रॉपर तरीके से सब फिट हो गया। तो चलो मैं गाड़ी चालू करता हूँ। गाड़ी चालू हो चुकी, एयरबैग लाइट भी चली गई क्योंकि सब फिट हो चुका। तो कंट्रोल पैनल भी बैठा देता हूँ मैं, ये भी बैठ चुका। अब जरा मैं आपको सबसे पहले हवा चेक करके बता देता हूँ। हवा अभी पैर पे और कांच पे है, तो देख पा रहे कांच पे हवा आ रही है। और पैर पे देख पा रहे हैं, पैर पे भी हवा आ रही है। तो अब सामने हवा अभी नहीं आ रही है, तो सामने हवा कर रहा हूं, सामने हो गया, सामने हवा आने लगी। तो इसको आप ब्लोअर फुल पे रख के, यानी जितना फास्ट स्पीड है इसको रख करके आपको चेक करना है, इसको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है इसको, कहीं के बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। आउटसाइड एयर भी चेक कर लेना, वो टाक टुक आवाज आ रही थी वो भी बंद हो गया, यानी अभी सब प्रॉपर हो चल रहा है। तो गाइस, जरा मैं स्कैनर से आपको भी दिखा देता हूँ कि ये कोड कौन सा आ रहा है, अब हिस्ट्री में दिखाएगा
तो कोड भी मेंशन कर देता हूँ मैं आपको। तो ये रही स्कैनर अपना, इधर रख देता हूँ ज़रा। तो देख पा रहे हैं, एयर आउटलेट डंपर कंट्रोल सर्वो मोटर हिस्ट्री में दिखा रहा है, यानी अभी इसका काम प्रॉपर हो गया, यानी प्रॉपर चल रहा है ये। तो इसको मैं स्कैनर, इसका कोड जो है B1443 है। आप इसको अगर सर्च करना चाहते हैं काय का कोड है तो भी यहाँ से आपको दिखा देगा गूगल में से। तो मैं इमेज में चले जाता हूँ ज़रा। तो देख पा रहे हैं सब कंट्रोल यूनिट दिखाया है, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट का ये देख पा रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मोटर का दिखाया है हर चीज़ में। ये देख लीजिए, ये वाला मोटर दिखाया है, यानी अलग अलग गाड़ी का अलग अलग मोटर आता है। तो ये कोड भी नोट कर लीजिए आप। तो फाइनली मैंने आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिखाया किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। और भी चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक बार नहीं कई बार चेक कर लें फिर कस्टमर को गाड़ी देना, नहीं तो फिर बाद में वापस से फिर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मसला कर सकता है इस वजह से। तो गाइस बस यही है, मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी नॉलेज आप मेरे YouTube चैनल के ज़रिए आप अपने एजुकेशन या फिर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाए। मेरे से जो हो रहा है ये चीज़ें मेरे से काफ़ी, यानी काफ़ी सारा प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी बार मेरे साथ हो चुका है। कई बार मैंने इसको, कई मतलब बोले तो बहुत से गाड़ियों का, टोयोटा की गाड़ियों में बहुत सारा प्रॉब्लम केसेस आए थे ये। तो मैं सोचा आज एक वीडियो बना दूं, क्योंकि यूट्यूब में मैंने सर्च किया, देखा, चेक किया तो बहुत ही कम नॉलेज मिला मेरे को इस चीज़ के बारे में। तो मैं सोचा आज इसका वीडियो बना ही देता हूँ, लोगों तक समझ में आ जाएगा बस, और बाकी कुछ नहीं। हो क्या रहा था इसमें प्रॉब्लम कि हवा का जो डायरेक्शन है ना, वो ये जो मोटर है ना, ये मोटर जो है ना, ये अगर आप एक पोजीशन में जाके अटक जाएगा ना तो ये घुमाएगा नहीं इसको। तो ये क्या किस तरीके से काम करता है, ये जब घूमता है ना तो ये एक व्हील से कनेक्टेड रहता है और ये भी व्हील से कनेक्टेड रहता है। जब ये मोटर घूमता है ना तो मोटर को सिग्नल देता है ये कि व्हील इसके साथ घूम रहा है, कौन से पोजीशन में है व्हील जो इसका इससे कनेक्टेड रहता है जो व्हील, तो इसको सिग्नल देता है कि भाई ये पोजीशन में है ये, तो अब यहाँ से जो पोजीशन में रखें आप तो वो पोजीशन में ला करके फिर इसको सर्किट को कट कर देता है, यानी ब्रेक कर देता है। फिर वापस से दबाएंगे फिर सर्किट चालू होगा, फिर वो पोजीशन में ला करके ये, मतलब ये जो दिया है ये सिग्नल लेने के लिए कि हवा का यहाँ जो सामने जो सिग्नल दिखा रहा है कि सामने है भाई हवा तुम्हारा, तो ये सामने पोजीशन में ला करके ये स्टॉप कर देता है। इस तरीके से ये काम करता है। अगर ये चीज़ आप नहीं लगाएंगे ना तो फिर ये मोटर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, यहाँ से सिग्नल मिलता है बस और कुछ नहीं। और ये मोटर ख़राब भी होता है, ऐसा नहीं कि ख़राब नहीं होता है, ये मोटर ख़राब भी होता है तो भी यही प्रॉब्लम करता है, या फिर इसमें इसकी जो अंदर की मोटर की कैपेसिटी कम हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। कभी कभी लाइट बिलिंग करने लगती है ऑटो की लाइट, बहुत सारा रीज़न आता है। तो बस यहीं तक काफ़ी ये वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।